देखिए, ये खिलाफत नगर मोहल्ला है हबीबपुर थाने का, और लगभग आधे पौन घंटा पहले यही बच्चे खेल रहे थे और उसी समय एक विस्फोट हुआ जिसमें कि कुल 7 बच्चे घायल हुए और 3-4 बच्चों को बहुत मामूली चोट है, लेकिन 3 बच्चे अभी अस्पताल में एडमिट हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और घटनास्थल का मुआयना बड़े वरीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है और इसमें एफएसएल की टीम भी यहाँ पे अभी आई थी और उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से पूरे घटनास्थल का मुआयना किया है। कुछ जो मटेरियल एग्जिबिट था उसको वो लोग ले भी गए हैं लैब में जांच करने के लिए कि किस प्रकार का विस्फोटक था और उसके क्या क्या आया उनके, और जहाँ पे घटनास्थल है उसका भी हम लोगों ने मुआयना किया है। तो जो इम्पैक्ट है रोड पे, कोई गड्ढा या इस टाइप से नहीं है, बहुत वहाँ लग रहा है कि यहाँ कोई पटाखा या बम वहाँ पर फूटा हुआ है। तो किस प्रकार का बम था, कितना शक्तिशाली था, वो तो जो फसल की टीम एग्जिबिट ले गई है उसकी जांच से पता चलेगा। और इस पूरे मामले की जांच के लिए सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई है। ये घटना किन परिस्थितियों में हुई और क्या क्या इसके कारण थे, और अगर बम का इस्तेमाल हुआ है तो कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने रखा, इन सभी बिंदुओं पर जांच के लिए और जो भी इसमें दोषी व्यक्ति हैं उनकी पहचान के लिए, गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी बनाई गई है। और एसआईटी ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है, जल्दी उसके बारे में भी जो भी एसआईटी की फाइंडिंग रहेगी उसके बारे में भी आपको विस्तार में बता दें। कितने बच्चे ऐसा माना जा रहा है कि बच्चे खेल रहे थे उसके साथ? जी, अभी जो बताया गया यहाँ पे लोगों के द्वारा कि किसी के घर से कुछ एक सामान ला के बच्चे खेल रहे थे उसमें विस्फोट हुआ। तो जैसा मैंने बताया कि फसल की टीम जो यहाँ से घटनास्थल से जो भी मटेरियल एग्जिबिट उनको लेके गए हैं तो उसकी जांच होगी तो उससे पता चलेगा कि क्या क्या था उसके अंदर। सर, बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कोई राजा नाम का लड़का था जिसने बम दिया। मैंने बताया कि एसआईटी जांच कर रही है पूरे मामले की, पूरे मामले की तह में जाएगी और अगर उसमें जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।